हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू स्टार चेस एकेडमी। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज बैक रैंक इन चेस। चेस में कई बार हमने सुना होगा कि बैक रैंक से चेकमेट हो गया, या बैक रैंक चेकमेट हो गया, या बैक रैंक पर कुछ मिस्टेक कर दिया। तो क्या होता है बैक रैंक, सारी चीजें वीडियो में दिखाऊंगा आपको। चलिए ध्यान से समझते हैं। बैक रैंक का मतलब होता है अगर व्हाइट की साइड से हम खेल रहे हैं तो फर्स्ट रैंक को कहेंगे बैक रैंक, और अगर ब्लैक की साइड से खेल रहे तो एट्थ रैंक को कहेंगे बैक रैंक। यहाँ पर डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। द बैक रैंक इज द फर्स्ट रैंक, व्हाइट के लिए ये डेफिनेशन है। तो जो फर्स्ट रैंक है ये बैक रैंक हो गई व्हाइट की। तो ये हो गया, 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 मतलब ये जो सारे स्क्वायर है ए वन बी वन सी वन डी वन ई वन एफ वन जी वन एच वन, ये व्हाइट के लिए बैक रैंक हो गए। अगर ब्लैक की बात करते हैं तो बैक रैंक इज द एट्थ रैंक, जो एट्थ रैंक है यहाँ पर भी आपको एरो से दिख रहा होगा। तो इसमें जो भी स्क्वायर्स आते हैं उसको बैक रैंक कहा जाता है, या एट्थ रैंक को बैक रैंक कहा जाता है और फर्स्ट रैंक को बैक रैंक कहा जाता है। अब इस डायग्राम से हम समझते हैं, द बैक रैंक इज सिंपली द स्टार्टिंग रो फॉर ईच प्लेयर। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो हर प्लेयर के लिए बैक रैंक कौन सी होती है, स्टार्टिंग रो। स्टार्टिंग रो मतलब जो फर्स्ट ये स्टार्ट हो रही है ये बैक रैंक हो गई व्हाइट के लिए, और ब्लैक अदर साइड बैठेगा तो उसके लिए ये फर्स्ट रैंक हो जाएगी। मीन्स ये एट्थ रैंक उसके लिए बैक रैंक हो जाएगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो होम साइड जिसका होता है उसको बैक रैंक कहा जाता है। होम साइड मतलब जब हम चेस बोर्ड को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले जो रैंक हमारी साइड होती है वो हमारी बैक रैंक हो गई, और अपोनेंट जब खेलता है तो उसके साइड जो रैंक होती है वो उसकी बैक रैंक हो गई। चलिए अब यहाँ हम समझते हैं, तो यहाँ पर व्हाइट के लिए बैक रैंक कौन सी हो गई, फर्स्ट रैंक व्हाइट के लिए बैक रैंक हो गई, एंड ब्लैक के लिए एट्थ रैंक। एंड द लास्ट डायग्राम इज, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पर ये जो वाइट का रुक है ये अगर डी वन पर होता और वो इस स्क्वायर पर आने के बाद में ब्लैक किंग को चेकमेट कर देता तो हम कह सकते हैं कि बैक रैंक चेकमेट हो चुकी है। तो आपने ये टर्म, टेक्निकल टर्म सुनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉट इज बैक रैंक चेकमेट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब स्टार चेस अकेडमी इंडिया। बाय बाय।